हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षित। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये हमारी एक सीरीज है ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस। दी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स विल हेल्प यू इमेंसली फॉर योर वोकैबुलरी सेक्शन। सो लेट अस स्टार्ट। सो द वेरी फर्स्ट वर्ड फॉर द टुडेज सेशन इज स्पेट। स्पेट समझेंगे हम फ्रॉम अ कहावत जो कि है मुसीबतों का पहाड़ आ जाना। इसमें क्या होता है, लोगों के ऊपर बहुत सारी मुसीबत आ जाती है जो कि एक के बाद एक होती है। इसका मीनिंग रीड करेंगे, अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर थिंग्स कमिंग इन क्विक सक्सेशन। मींस लार्ज नंबर ऑफ मुसीबतें हमारे ऊपर जब एक के बाद एक आती हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेट। स्पेट इज यूज्ड फॉर समथिंग विच हैव नेगेटिव इम्पैक्ट, लाइक यू कैन से प्रॉब्लम्स, यू कैन से डिजास्टर्स। फॉर एग्जाम्पल 2020 ईयर में कितने सारे डिजास्टर्स आए हैं, सो वी कैन से 2020 ईयर हैड स्पेट ऑफ डिजास्टर्स, लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया वाइल्ड फायर टू द करोना टू द वेरियस ऑफ अर्थक्वेक्स एंड अमेरिका में जो हो रहा है वो सब। तो स्पेट ऑफ प्रॉब्लम्स, ये भी एक बहुत अच्छा डेफिनेशन थी स्पेट की। सडन और हैवी स्पेट कैन बी बॉट ऑफ anger or a rainstorm that is overwhelming and difficult to deal with. So, इसके synonyms में आ जाएगा series, succession, run, cluster. Antonyms में आ जाएगा shortage, paucity. Paucity का मतलब होता है छोटा, puny. Okay, shortage क्यों? क्योंकि spate का मतलब ही है that की large number of similar thing, large number of मुसीबत, not एक दो मुसीबत, large. Okay. इसका हम पहले यूज इन सेंटेंस लिख लेते हैं। आफ्टर हैवी रेन द रिवर वॉज इन स्पेट, मीन्स आफ्टर हैवी रेन उस नदी में बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा बहने लग पड़ी थी। तो दैट इज अ नेगेटिव थिंग क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज वॉर्म ऑन गियरिंग। वॉर्म ऑन गियरिंग वर्ड इज यूज व्हेन वी आर एडवोकेसिंग, एडवोकेसी ले रहे हैं, साइड ले रहे हैं, पक्ष ले रहे हैं किसका, एग्रेशन का, रेसिज्म का, इनइक्वालिटी का, तब हम ये वाला यूज करेंगे वर्ड। इसका पहले मीनिंग रीड कर लेते हैं, एनकरेजमेंट और एडवोकेसी ऑफ एग्रेशन टुवर्ड्स अदर कंट्रीज और ग्रुप्स, लाइक जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, या फिर जैसे अमेरिका में ब्लैक रेस, ब्लैक जो पीपल थे उनके तरफ जो एग्रेशन था उनका, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था एंड इट वॉज गेटिंग मोर एंड मोर सीरियस, एग्रेसिव हो जा रहा था। तो फिर इट वॉज वॉट, इट वॉज एनकरेजमेंट टुवर्ड्स दैट बिहेवियर, तब हम ये वाला वर्ड यूज कर सकते हैं, वॉर्म ऑन गेयरिंग। कई मामलों में मीडिया भी ये वाली चीज करती है कि वो दूसरी कंट्री के खिलाफ, जब इंडिया और पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लो, इंडिया की मीडिया पाकिस्तान के तरफ एग्रेशन दिखाती है, पाकिस्तान की मीडिया इंडिया की तरफ एग्रेशन दिखाती है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वर्ड। इस वर्ड का मीनिंग यही है, वॉर्म ऑन गेयरिंग मीन्स बढ़ावा देना एग्रेशन को, वॉर लाइक स्ट्रक्चर को टुवर्ड्स अदर कंट्री, अदर ग्रुप्स। इसका हम सिनोनिम्स देख लेते हैं, हॉकिश, बेलिजरेंट, वॉर लाइक, हॉस्टाइल, अग्रेसिव। एंटोनिम्स में आ जाएगा डेमोक्रेसी, फ्रेंडली, पैसिफिस्ट। यूज इन सेंटेंस देख लेते हैं, सम सॉ हिम एज अ ग्रेट स्टेट्समैन, अदर सॉ हिम एज अ रूथलेस वॉरमॉन्गर। वॉरमॉन्गर मतलब कि जो कि जैसे हिटलर था, ही वॉज वेरी मच एग्रेसिव टुवर्ड्स जूज, सो ही वॉज अ वॉरमॉन्गर। सो द नेक्स्ट वर्ड इज फोर बियरेंस। फोर बियरेंस हम ऐसे याद कर सकते हैं, फोर बियर, बियर मतलब सहन कर लेना, फोर बियरेंस, कोई चीज कोई सहन कर ले, दैट इज कॉल्ड फोर बियरेंस। इसका पहले मीनिंग रीड कर लेते हैं, फोर बियरेंस हम तब यूज करते हैं, बेसिकली हम किसी की क्वालिटी बताना चाहें ऑफ पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, रिस्ट्रेंट एंड टॉलरेंस। सो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे मिला था, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बैंकिंग और लोन इंस्टीट्यूट्स, उसमें अगर हम बोल दें कि आपको हम टेम्पररी रिलीफ दे रहे हैं फ्रॉम रीपेमेंट, जैसे अगर कोई इंसान नहीं दे पा रहा है रीपेमेंट एंड वी से ओके ठीक है, वी आर गिविंग यू अ रिलीफ ऑफ वन मंथ और टू मंथ, आप तब आप रीपे कर दो, दैट इज कॉल्ड फोरबियरेंस। टेम्पररी रिलीफ दैट अ लेंडर ग्रांट्स अ बोरोअर हु इज फॉलिंग बिहाइंड ऑन रीपेमेंट्स। सो इसका हम सिनोनिम्स देख लेते हैं, सेल्फ कंट्रोल, एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस का मतलब ही सेल्फ कंट्रोल होता है। एंटोनिम्स में आ जाएगा इम्पेशेंस। इम्पेशेंस इंसान क्या होता है, इम्पेशेंस होता है कि अभी के अभी दो मुझे, राइट हो ना, जो जिसमें बिल्कुल भी सहनशीलता ना हो, कि ही वॉन्ट्स हिज रीपेमेंट
राइट देयर राइट नाउ. कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं दे हैव जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, सो दे आर नॉट फोरबियरेंस, दे डोंट फॉलो द कंसेप्ट ऑफ फोरबियरेंस. इसका हम पहले सेंटेंस देख लेते हैं. द टीचर शोड ग्रेट फोरबियरेंस इन हिज क्लासेस. मीन्स अ टीचर मस्ट बी लाइक वेरी मच पेशेंट विद द स्टूडेंट्स, सेल्फ कंट्रोल. गुस्सा भी आ रहा है तब भी गुस्सा नहीं कर रही है बच्चों पे, प्यार से पढ़ा रही है. सो दैट इज कॉल्ड फोरबियरेंस. सो द नेक्स्ट वर्ड इज एल्यूसिव. एल्यूसिव चीज ऐसी होती है जो हम एक्सप्लेन ना कर पाए, सामने वाला उसको समझ ना पाए, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो समझने में. शायद से वो हार्ड है इसलिए हमें समझ नहीं आ रही है. बस उसका ये सार निकल रहा है कि सामने वाला भी नहीं समझ रहा और मैं समझा भी नहीं पा रही. दैट इज कॉल्ड एल्यूसिव. इसका पहले मीनिंग रीड कर लेते हैं. एल्यूडिंग और फेलिंग टू अलाउ फॉर और एकोमोडेट अ क्लियर परसेप्शन. ठीक है, कि अकोमोडेट ही नहीं कर पा रहे हम क्लियर परसेप्शन किसी चीज की, और कंप्लीट मेंटल ट्रस्ट, या फिर वो सामने वाला उसको मेंटली समझ नहीं पा रहा है. हार्ड टू एक्सप्रेस और डिफाइन कोई चीज जो है वो हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं. दैट इज एल्यूसिव. एंड एल्यूसिव कंसेप्ट क्लियरली और स्किलफुली एल्यूसिव डिफिकल्ट टू फाइंड. कोई चीज जो कि डिफिकल्ट टू फाइंड है, डिफिकल्ट है इसलिए हमें समझ नहीं आ रही है, वेग है, कंफ्यूजिंग है, देन वी कैन यूज दिस वर्ड एल्यूसिव. इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं. ट्रिकी, बैफलिंग. बैफलिंग मतलब कि जो आपको तैदल कर दे, लाइक थोड़ा सा आपको दिमाग आपका हिला दे, दैट इज कॉल्ड बैफलिंग. एंटोनिम्स आ जाएगा डेफिनेट, ऑनेस्ट. डेफिनेट चीज ऐसी होती है जिसको हम 100 by 100 दे और बोले कि या दिस थिंग, लाइक फॉर एग्जाम्पल स्काई इज ब्लू, दैट इज नॉट एल्यूसिव, दैट इज अ फैक्ट, दैट इज 100% ट्रू. ऑनेस्ट मतलब कि जो कि चीज बिल्कुल सच्ची है. इसका यूजिंग सेंटेंस देखेंगे. द पुलिस आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कैच द एल्यूसिव बैंक रॉबर. मे बी द बैंक रॉबर वॉज सो मतलब कि अच्छा था ऑब्वियसली, इसलिए वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं. अच्छा था, उसने अपनी चोरी अच्छे से करी, दिमाग लगा के करी, अपने आप को अच्छे से हाइड करा उसने. दैट्स वाई द पुलिस इज नॉट एबल टू फाइंड हिम बिकॉज ऑफ हिज एल्यूसिव बिहेवियर. नेक्स्ट वर्ड इज साइनर्जी. साइनर्जी मीन्स जब हम एक साथ होके किसी भी चीज में अपनी एनर्जी लगाएं, दैट इज कॉल्ड साइनर्जी. लाइक एक से भले दो, वही वाली चीज है. इसका मीनिंग रीड करेंगे. द इंटरैक्शन और कोऑपरेशन ऑफ टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन, सब्सटेंस और अदर एजेंट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड इफेक्ट ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर सेपरेट इफेक्ट्स. इफ वी आर वर्किंग सेपरेटली, मैं अलग काम करूं, मेरी टीम अलग काम करे, एक 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 ऐसे करके, सो वी वोंट बी पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, वी वोंट बी एबल टू पुट इन लॉट ऑफ थिंग्स. हम लोग एक बड़ा चीज कर ही नहीं पाएंगे. बट व्हेन वी कम टुगेदर एज अ टीम, वी आर डूइंग वन टास्क, आई एम डूइंग वन टास्क, द अदर पर्सन हु इज ग्रेट एट डूइंग अदर टास्क, ही इज डूइंग दैट, दैट इज कॉल्ड साइनर्जी. वी आर पुटिंग ऑल आर एफर्ट्स विद वन थिंग एंड वी आर क्रिएटिंग समथिंग ब्यूटिफुल. Synergy, working together, partnership, cooperation, combination, harmony, teamwork, these all are called synergy. Like energy ko sahi direction mein lagana, that is called synergy. You can remember this word like this, okay? Iske synonyms dekh lete hain. Disputable, arguable, uncertain. Antonyms mein aa jayega inactivity, inconsistency, एंटीपैथी. एंटीपैथी मतलब कि सिंपैथी का उल्टा, एंटीपैथी. यूज इन सेंटेंस देख लेंगे. टीमवर्क एट इट्स बेस्ट रिजल्ट्स इन अ साइनर्जी दैट कैन बी वेरी प्रोडक्टिव. जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, व्हेन वी आर वर्किंग एज वन वी कैन अचीव द गोल विद मैक्सिमम एफर्ट. सो द लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज प्रीएम्प्टिव. Preemptive means to take an action before something else happens. कि कोई और चीज हो जाए उससे पहले we will take action. To be proactive, it's called being preemptive. या फिर to prevent something or someone else to do something. किसी और को disable करना अपने action से is called doing preemptive. इसका पहले meaning read कर लेते हैं. Serving or intent. टू प्रीएम्प्ट और फोरस्टॉल समथिंग. फोरस्टॉल का मतलब होता है किसी को स्टॉल करना, मीन्स उसका टाइम वेस्ट करना. होता है ना किसी को हम टाइम वेस्ट करवाने के लिए बॉक्सिंग मैच में भी स्टॉल करते हैं, दैट इज कॉल्ड फोरस्टॉल
something especially to prevent attack by disabling the enemy. Usually we use this word preemptive to define a strike. Like preemptive strike hum tab bolte hain when we attack someone else before they attack us. That is called a preemptive strike. Usse kya hota hai? We disable the enemy from attacking us. तो इसका सिनोनिम देख लेते हैं, प्रोएक्टिव, अर्ली. एंटोनिम्स में आ जाएगा रिएक्टिव, परमिसिव. सो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव का डिफरेंस ये है, प्रोएक्टिव टू अटैक या फिर टू टेक एक्शन बिफोर समथिंग हैपेंस, टू फोरसी फ्यूचर फोरकास्ट करना और उसके हिसाब से अपने एक्शंस को रेडीली रखना एंड देन वी डू द एक्शन. रिएक्टिव मीन्स वी डोंट डू एनीथिंग, वी वेट टू wait for something to happen and then we will react on it. That is called reactive and that is called proactive. Iska using sentence dekh lete, decided to launch a preemptive strike. Means maybe two countries must be having some conflict between them and then one country decided to do a strike on the other country, preemptive strike, so that they disable the enemy from harming them. So this brings us to the end of our session. So I hope aap logon ko pasand aaya hoga. So please like, share and subscribe to our channel. And agar koi doubt hai aapka, so please comment down below. We'll get to you. Thank you.